व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे ड्रैगन रोल, जिसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले मैदा लेंगे, आटा, और उसमें ऑयल डालेंगे। आधा कप तेल डालेंगे, हाफ टी स्पून कलौंजी, एक चौथाई टीस्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून सौंफ, एक टीस्पून नमक। अब इन सबको मिलाकर आटा गूंद लेंगे। हमें चाहिए फ्रेंच बीन बारीक कटी हुई, स्प्रिंग अनियन हरी प्याज टुकड़ों में कटी हुई, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, और गाजर एकदम बारीक कटा हुआ, यह ग्रेट कर लें, और यह जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट। ये हमारे पास चिकन था, इसको हमने थोड़ा सा पानी और नमक डाल के उबाल लिया है, और इसे हम मिक्सी में थोड़ा सा कीमे जैसा बना लेंगे। एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, इसमें हरी प्याज डालेंगे, और अब शिमला मिर्च डालेंगे, और फ्रेंच बीन, इन सबको अच्छे तरीके से भून लेंगे। हमारी सब्जी भून गई है, इसमें जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट डालेंगे। तीन टेबल स्पून ऐसे मिक्स कर लें, और इसमें गाजर भी डाल देंगे, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे सोया सॉस 2 टेबल स्पून, नमक स्वाद अनुसार। इसमें हमने चिकन को मिक्सर में चला लिया था, इसको डाल देंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिली पेस्ट डाल देंगे सॉस, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। हमारा मिक्सचर तैयार है, ठंडा हो गया है। यह आटे की हमने लोई बना ली है, अब इसको बेलेंगे। इसे एकदम पतला बेल लेंगे। रोटी बेल लिए हैं, अब इस पे मिक्सचर रखेंगे चिकन का। इस पर चीज़ घस लेंगे थोड़ा सा, इससे रोल बनाएंगे। किनारों पे पानी लगा देंगे, इसे ऐसे मोड़ लेंगे। ये हमारा रोल तैयार हो गया, और इस तरह से सारे रोल बना लेंगे। हमारा तेल गरम करने के लिए रख दिया, तेल अच्छे से गरम हो गया है, ये रोल बना के हम तैयार कर लिए। अब इसको कढ़ाई में डाल के फ्राई करेंगे। हम अपने आंच को थोड़ा स्लो कर देंगे, एकदम फिर अच्छे से क्रिस्पी बनेगा रोल। हमारा रोल थोड़ा गोल्डन हो गया, इसे और थोड़ा फ्राई करेंगे। हमारा रोल अच्छे से फ्राई हो गया, गोल्डन हो गया, अब इसे निकाल लेंगे। इसे फ्राई करने में, स्लो आंच पे फ्राई करेंगे तो इसे
15 मिनट लगता है टाइम इसको फ्राई करने में। हमारा ड्रैगन रोल तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप भी ये रेसिपी ट्राई करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।